बाइंडिंग एनर्जी में कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, गिवन मास ऑफ एक प्रोटॉन दिया हुआ है एएमयू में, ठीक है, एएमयू में के अंदर गिवन है, मास ऑफ एक न्यूट्रॉन गिवन है एएमयू में, और मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस गिवन है। अब अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो हीलियम HE42 ये होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल में, और ये भी गिवन है कि जो एएमयू है वो मास के यूनिट होते हैं, वैसे बता दूं, और एएमयू को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग विद 931। तो एएमयू की कोई भी यूनिट है उसको 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एनर्जी के आ जाएंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना होता है मास इफेक्ट, हीलियम बनने में इंडिविजुअल कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं हीलियम में, HE42 में दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं, उनका इंडिविजुअल मास क्या होगा, दो प्रोटॉन का मास इंडिविजुअल क्या होगा 2 × मास ऑफ प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन का मास क्या होगा 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन, एएमयू में मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ गया, तो टोटल मास क्या आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों को तो ये आएगा। तो मैंने क्या किया, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास निकाल दिया। अब मेरे को मास ऑफ क्या पता है, न्यूक्लियस पता है, मास ऑफ न्यूक्लियस पता है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल मास इंडिविजुअल मास में से मास ऑफ न्यूक्लियस को क्या कर दूंगा, माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट आ गया, मास डिफेक्ट किस में आएगा, एएमयू में, लेकिन आपको आंसर किस में पूछा गया, एनर्जी में, नाइन्थ इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 931, तो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इंपॉर्टेंट ये है, हीलियम है, पहले मास ऑफ टू प्रोटोन आएगा, मास ऑफ टू न्यूट्रॉन आएगा, फिर इनको ऐड करके टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल मास आएगा, फिर उसमें से न्यूक्लियस के मास को क्या कर देना है, माइनस, इन्हें माइनस करेंगे तो मास डिफेक्ट आएगा। 931 से आगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी की वैल्यू आएगी। मेथड समझ में आ रहा है करना क्या है, पहले इंडिविजुअल मासेस निकालने हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, उसके बाद न्यूक्लियस का मास गिवन है, दोनों को माइनस करके मास का डिफेक्ट निकाल लेना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, एकदम फिर से, डेल्टा एम मास है ना, मास को अगर देखो मास केजी में होता ना, अगर केजी में, तो फिर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करता, लेकिन वो तो कह रहा है रिजल्ट कि आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, दे तो रहा है कि इसके अंदर एक एएमयू के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई खुद करके दे रहा है, 931 होती है, तो इसलिए मास को सीधा एनर्जी में कन्वर्ट करना है, एएमयू को सीधा एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो सी स्क्वायर नहीं चाहिए, सीधा 931 से मल्टीप्लाई करो, सीधी एनर्जी आ जाएगी। हाँ, अगर ये केजी में होता और फिर मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता फिर लंबा काम था, इसलिए हर क्वेश्चन के अंदर वो एएमयू के अंदर ही मास देगा, केजी में नहीं देगा, तो एएमयू के अंदर मास देगा, उसको सीधा 931 करना है तो सी स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर है यहां तक। जैसे अगला क्वेश्चन, मास ऑफ लिथियम गिवन है, अब लिथियम गिवन है इज इतने एएमयू लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स, ये क्या गिवन है, डेल्टा एम, कैसे, वो कह रहे कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस, ठीक है, इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से लिथियम न्यूक्लियस को माइनस करेंगे तो ये मास डिफेक्ट आएगा, जो कि ऑलरेडी क्या गिवन है आपको, 0.042 एएमयू, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूक्लियॉन में से न्यूक्लियस के मास को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, न्यूक्लियॉन, तो ये डेल्टा एम ही गिवन है। अब वो कह रहा है कि इसमें ये निकालो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालो, तो बाइंडिंग एनर्जी तो निकल गई कैसे, मास इफेक्ट तो क्वेश्चन में गिवन ही है एएमयू में, पर बाइंडिंग एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको 931 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगी, बाइंडिंग एनर्जी के यूनिट्स क्या होंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर ये बाइंडिंग एनर्जी आई, हमने क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 7, 7 न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें,
ऐसा होता है, अगर आपको मान लो मास केजी में गिवन है, आप डेल्टा एम यानी कि केजी में गिवन है, अब बाइंडिंग एनर्जी के लिए फिर क्या करेंगे, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करेंगे, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी के यूनिट्स किस में मिलेंगे, जूल में मिलेंगे, ठीक है, जूल में मिलेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस जूल्स के अंदर जो भी एनर्जी आएगी उसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से अगर डिवाइड करें तो आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप एक काम करें, फिर से एक बार इस पूरी बाइंडिंग एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दें मेगा, तो आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो केजी में गिवन ही होता भाई, न्यूट्रॉन का मास कौन केजी में दे रहा है, एएमयू में बहुत छोटा मास होता है, ठीक है यहां तक, तो यहां तक क्लियर है। जैसे ये क्वेश्चन को देखें, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर कार्बन न्यूक्लियस, एटॉमिक मास नंबर गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन भी गिवन है। तो ये बताओ कार्बन 12 6 में कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो इंडिविजुअल मास क्या होगा, 6 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन और 6 इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन में से न्यूक्लियस के मास को माइनस कर, जब हम लिखते हैं ना एम सी एम के अंदर ब्रैकेट में, तो ये न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो आपको 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है, कार्बन का मास पता है, माइनस करके एएमयू में मास डिफेक्ट आ गया। इस मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट किस में आ गए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। पर उसने क्योंकि कहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालो, तो इसके अंदर न्यूक्लियॉन कितने हैं, 12, 12 से डिवाइड करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ गई। एएमयू में एनर्जी नहीं आएगी, 931 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना ही पड़ेगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, यहां तक कैसे करना है, इसमें तो मास इफेक्ट तो निकालना पड़ेगा, तो इंडिविजुअल मास में से न्यूक्लियस के मास को माइनस तो करना पड़ेगा, ठीक। देखो कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, अब ये ड्यूट्रॉन क्या होता है भाई, H2N होता है ड्यूट्रॉन, गिवन मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ ड्यूट्रॉन गिवन है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन का मतलब न्यूक्लियस का मास है, ये न्यूक्लियस बनता है इसमें। तो क्या करेंगे, ड्यूट्रॉन में कितने प्रोटोन है, एक, कितने न्यूट्रॉन है, एक, न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दो।
तो इंडिविजुअल मास में से न्यूक्लियस के मास को माइनस करके डेल्टा एम आ गया, 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई, आंसर आ गया। उसे बाइंडिंग एनर्जी पूछी, ठीक है, अगर पर न्यूक्लियॉन पूछता तो 2 से मैं डिवाइड कर देता, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में, ड्यूटॉन में दो न्यूक्लियॉन्स हैं तो 2 से डिवाइड कर देता। क्लियर है यहां तक? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाल लो, किस में? फॉस्फरस का। तो आपको न्यूक्लियस का मास गिवन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास भी गिवन है, प्रोटॉन है ये, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, फॉस्फरस के अंदर 15 प्रोटॉन्स हैं, 16 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 15 प्रोटॉन्स का मास आ गया, एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही 16 न्यूट्रॉन्स का आ गया, दोनों को ऐड करके टोटल मास आ गया। न्यूक्लियस का मास मुझे गिवन है, इन टोटल मास में से न्यूक्लियस के मास को माइनस करके मास डिफेक्ट आ गया, मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट किया, ये डेल्टा एम है, और डेल्टा एम को 931 से मल्टीप्लाई किया तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई, क्योंकि हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी है, इसको 31 न्यूक्लियॉन से डिवाइड करके आंसर आ गया।